विनेगर, जिसका प्रयोग हम खट्टे स्वाद के लिए करते हैं, वह अम्ल है। एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड है, जिसे सामान्य रूप से एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में 5-8% एसिटिक अम्ल का विलयन होता है। इसका कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो COOH है, अतः इसका नाम ओइक एसिड के साथ अंत होता है और यह एथेनोइक एसिड है जिसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं। इसके नाम के उपसर्ग में ETH लगेगा। किसी अन्य अम्ल की तरह एसिटिक एसिड धातु के साथ क्रिया करता है तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, जैसे सोडियम से क्रिया करके यह सोडियम एसिटेट तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। आप जानते हैं एथेनोइक एसिड, जिसे एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रयोग ईस्टर बनाने के लिए किया जाता है, जिनकी सुगंध मीठे पदार्थ जैसी होती है, जिनका प्रयोग इत्र बनाने तथा सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है। वास्तव में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से ईस्टर उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को ईस्टरीकरण या ईस्टरीफिकेशन कहते हैं। किसी भी अन्य अम्ल की तरह एथेनोइक एसिड भी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तथा लवण उत्पादित करता है। एल्कली के साथ अभिक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम एसिटेट लवण या सॉल्ट उत्पन्न करता है। किसी भी अन्य अम्ल की तरह यह कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट यौगिक से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बल्कि प्रख्यात ज्वालामुखी विज्ञान प्रोजेक्ट या वोल्केनो साइंस प्रोजेक्ट में विनेगर तथा बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया होती है। यहां हमने देखा CH3COOK या एसिटिक एसिड प्लस NaHCO3 देता है CH3COONa प्लस H2O प्लस CO2। मूल रूप से जब हम छोटे ज्वालामुखी के मॉडल जिसमें बोतल रंगे हुए कागज से लिपटा होता है तथा इसमें विनेगर बेकिंग सोडा डूबा रहता है में बेकिंग सोडा डालते हैं, इस अभिक्रिया में छोटे से ज्वालामुखी में जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। सामान्यतः लावा जैसा दिखने के लिए इसमें भोजन का रंग मिलाया जाता है। अब तक के लिए इतना पर्याप्त है। बाय बाय।